नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सुपर अपडेट्स में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि गदर फिल्म के स्टार कास्ट को इस फिल्म में काम करने के लिए कितनी फीस मिली थी। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। दोस्तों फीस के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा इस फिल्म के बारे में भी जान लेते हैं। गदर सन 2001 में आई एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी, लिली दुबे, विवेक शॉक और उत्कर्ष शर्मा नजर आए थे। इस फिल्म को अनिल शर्मा ने डायरेक्ट किया था और इसे प्रोड्यूस किया था रवि कुमार सीतामढ़ी ने, और इस फिल्म की कहानी शक्तिमान तलवार ने लिखी थी। इस फिल्म को 350 स्क्रीन के साथ 15 जून सन 2001 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 19 करोड़ था और इस फिल्म ने इंडिया में 77 करोड़ का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 1,40,00,000 का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 9,28,00,000 का कलेक्शन किया था। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 134 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के IMDb रेटिंग की तो इस फिल्म को 7.2 रेटिंग मिले और ये फिल्म उस साल की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के म्यूजिक उत्तम सिंह ने दिए थे और इसके लिरिक्स आनंद बख्शी ने लिखे थे। इस फिल्म में कुल 6 गाने थे और सभी गाने ब्लॉकबस्टर रहे थे। इस फिल्म के सभी गाने उदित नारायण ने गाए थे। दोस्तों मुझे तो इस फिल्म के सभी गाने अच्छे लगते हैं और अब भी सुनना काफी पसंद करता हूँ। वैसे आपको इस फिल्म का सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, पर पहले पूरा वीडियो देख लो क्योंकि अब हम जानने वाले हैं कि इस फिल्म के स्टार कास्ट को कितनी फीस मिली थी। सबसे पहले जानते हैं उत्कर्ष शर्मा की फीस के बारे में। इस फिल्म में उत्कर्ष शर्मा ने चरणजीत सिंह का रोल निभाया था और वे इस फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल के बेटे बने हुए थे और इस फिल्म के लिए उन्हें करीब 20,000 तक की फीस मिली थी। अब जानते हैं लिली दुबे की फीस के बारे में। इस फिल्म में लिली दुबे ने शवाना अली का रोल निभाया था और उन्होंने इस फिल्म में अमीषा पटेल की माँ का रोल निभाया था और इस फिल्म के लिए उन्हें करीब 80,000 तक की फीस मिली थी। अब जानते हैं विवेक शॉक की फीस के बारे में। इस फिल्म में विवेक शॉक ने दरमियान सिंह का रोल निभाया था और इस फिल्म में वे सनी देओल के दोस्त बने नजर आए थे और इस फिल्म के लिए उन्हें करीब 5,00,000 तक की फीस मिली थी। अब जानते हैं अमरीश पुरी की फीस के बारे में। अमरीश पुरी हमेशा से अपनी नेगेटिव रोल के लिए पॉपुलर रहे हैं और पूरे बॉलीवुड के इतिहास में वे ही हाईएस्ट पेड विलन रहे हैं और यहाँ तक कि कई फिल्मों में उनको हीरोइन से भी ज्यादा फीस मिलते थे। इस फिल्म में उन्होंने अशरफ अली का रोल निभाया था जो कि अमीषा पटेल के पिता रहते। इस फिल्म के लिए उन्हें उस वक्त 60,00,000 तक की फीस मिली थी। अब जानते हैं अमीषा पटेल की फीस के बारे में। कहोना प्यार से ही रातों रात स्टार बनी अमीषा पटेल उस समय कई लोगों की फेवरेट बन चुकी थी और यही वजह थी कि उनको ये फिल्म मिली थी। इस फिल्म में उन्होंने सकीना का रोल निभाया था और इस फिल्म के लिए उन्हें करीब 70,00,000 तक की फीस मिली थी और अमीषा पटेल सन 2001 की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस बनी थी। और अब अंत में जानते हैं सनी देओल की फीस के बारे में। दोस्तों सनी देओल ना होते तो गदर कभी इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं बन पाती क्योंकि उनकी आवाज ने जो इस फिल्म में जान डाली थी वो किसी और के बस की बात नहीं थी। इतना ही नहीं, सनी देओल की एक्शन के दीवाने शुरू से ही हैं। भले ही उनकी कोई फिल्म फ्लॉप हो या ना हो पर उनके एक्शन के कारण लोग उनकी फिल्म देखने जरूर जाते हैं। इस फिल्म में सनी देओल ने तारा सिंह का रोल निभाया था और भले उनकी फिल्म हिट हो या फ्लॉप हो पर वे तगड़ी फीस लेते थे और इस फिल्म के लिए उन्हें उस वक्त 4,50,00,000 की फीस मिली थी। भले उस समय सबसे ज्यादा फीस शाहरुख खान लिया करते थे पर गदर फिल्म के लिए सनी देओल को शाहरुख खान से भी ज्यादा फीस मिली थी। तो दोस्तों आपने गदर कितनी बार देखा है हमें कमेंट करके जरूर बताइए और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दोस्तों अगर ऐसी वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।